आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो ये जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए एक आई ओपनिंग, ठीक है। आपको सच्चाई पता चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी इस फिराक में और इस लिए पूरी शिद्दत से अपने आप को स्टडी की ओर नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सर वैकेंसी कब आएगी, कब तक वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको दरोगा बनना है, ठीक है, तो आज से और अभी से इस वीडियो को जैसे ही मैं एंड करूंगा, याद रखना जो भी चीज यहां बताने वाला हूं उसको दिमाग में पूरी तरीके से ड्रिल्ड कर लेना कि अगर आपको दरोगा बनना है आज के समय में, ठीक है, तो कितने नंबर आपको चाहिए होंगे। आखिर आप इस कॉम्पिटिशन में उतर रहे हो, आपको पता होना, क्योंकि भीड़ के चाल आपको नहीं चलना है, ठीक है। भीड़ कहां जा रहे हैं आपको ये नहीं देखना है, ठीक है। पटना में भीड़ लगा हुआ है इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट को नहीं देखना है आपको। अगर किसी का सिलेक्शन होगा वो आपका एफर्ट से होगा, आपको कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता। सिलेक्शन जो आपको कोई दिला सकता है तो वो है आप खुद। हम सिर्फ एक जरिया है सही दिशा दिखाने के लिए। बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ये आपका ड्रीम है, ठीक है, ये जो दो स्टार है ये आपका ड्रीम है। अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आप किसी के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। आपको अपना एफर्ट खुद देना पड़ेगा, ठीक है। अब हजारों की भीड़ में से 3 लोग, 10 लोग, 20 लोग सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको आप कोचिंग वाले के सामने आप देखते होंगे, ठीक है। अगर उस तरीके से बात किया जाए तो हमने हमारे यहां से कितने सिलेक्शन हुए, हमने कभी बात नहीं किया और ना ही हमें इस पे बात करना है, क्योंकि हमारा जो मानना है ये है कि सिलेक्शन अगर आपको कोई दिला सकता है तो वह आप खुद अपना एफर्ट आप 100% दीजिएगा, क्योंकि विदाउट योर एफर्ट ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबका एक एम, अगर आप देखते होंगे सबका एम है ये 2 स्टार, ठीक है, 2 स्टार चाहिए सबको, ठीक है। तो अगर आपको ये 2 स्टार चाहिए तो आज से और अभी से जो मैं बताने वाला हूं आप ध्यान से समझ लो। सबसे पहले जो वैकेंसी आपका एक्साइज का आएगी, मैं मान के चल रहा हूं कि 200 प्लस वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब जो ये 200 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, इसमें जो भी लोग फॉर्म फिल करेंगे इसमें मैक्सिमम लोग, ठीक है, वैसे लोग भी होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिट से निकले हुए हैं या ऐसे लोग होंगे, अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इस तरीके का हम आपके लिए स्क्रीनशॉट रेगुलर शेयर करते हैं ताकि आपको पता चले कि कुछ बंदे, ठीक है, ऐसे भी हैं जो 171.4 लाते हुए भी इस रेस से बाहर है। मतलब जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी आप समझ लो आपको इनसे फाइट करना है। और भी ऐसे बहुत है, ठीक है, बट हम इनका इसलिए लेके आए क्योंकि ये हमारे साथ ESI में भी थे, ठीक है, और जो इस बार दरोगा का हुआ है 2213 उसमें भी थे, ठीक है। तो इनका जो स्कोर था वो था 171.4। देखो बुक्स सब लोग वही पढ़ते हैं, ठीक है, मेन बात है आप कितना एफर्ट देते हो, ठीक है। अगर कोई बंदा 7 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, आप क्या उससे एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो, क्या आप एक्स्ट्रा माइल दे रहे हो, ठीक है। तो यही जो है आपको समझ के रखना है कि जो आपको फाइट करना है मेनली, ठीक है, 200 प्लस पोस्ट होंगे, आप ध्यान से समझना, ठीक है, एक्साइज में। बट बहुत लोग, ठीक है, मैं लिख के देता हूं 400 लोग तो ऐसे होंगे, ठीक है, जो बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड, जो इस बार सिर्फ, ठीक है, मेरिट से नहीं, आपका सिर्फ फिजिकल के कारण आपका निकल गए होंगे। उनमें से एक ये इनका भी स्कोर है, ये फिजिकल में फेल हो गए थे, ठीक है। तो अब ये देखो आप ध्यान से समझो, ठीक है, सबसे पहले चैनल पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो भी बातें यहाँ बताई जाती है ये ऑथेंटिक बातें हैं, जिससे सिर्फ सिलेक्शन होता है, ठीक है, वही बातें यहाँ आपको बताई जाएगी, ठीक है। यहाँ वो बातें बताई जाती है जिससे ये हो कि आप सिर्फ सिलेक्शन ना लो, ठीक है, प्री और मेंस में, बल्कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाए। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है अगर आपको इस बार दरोगा बनना है तो, ठीक है, एक्साइज का अगर वैकेंसी निकालना है तो, सबसे पहले आपको कोई अगर सिलेक्शन दिला सकता है तो वो हो आप खुद, यू एंड ओनली यू। आपको मैक्सिमम एफर्ट देना पड़ेगा, भीड़ के चाल नहीं चलना है, क्योंकि 200 वैकेंसी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ पढ़ने से आपका हो जाएगा, यू नीड टू बी थिंक स्मार्टर, ठीक है। तो आपको स्मार्टली सोचना है कि आपको स्टडी कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपका सियोर सिलेक्शन हो। 2-3 बात और, सबसे पहले कहीं भी कोचिंग में इस पे आपका भी फोकस नहीं दिया जा रहा होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग। मैं अभी से बोल रहा हूं आप पूरी तरीके से मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है, आप टाइम डेडिकेट कीजिए, क्योंकि आप 1 से 1.5 महीना में अपना मैथ्स एंड रीजनिंग मास्टर नहीं कर सकते, बट जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो यही दिलाएगा। तो मैथ्स एंड रीजनिंग को अभी से लेके चलना है। और तीसरा पॉइंट, ठीक है, आपका वो है फिजिकल, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, ये है PET। आपको इस पे अभी से ध्यान देना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे, ठीक है,
जो पढ़ने में तो अच्छे हैं बट उनका फिजिकल अच्छा नहीं है, तो पीईटी पे आपको अभी से, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको लगता है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा 1 किलोमीटर एटलीस्ट आप दौड़िए, आप इससे हेल्दी भी रहोगे। ठीक है, तो अगर एंड ऑफ द वीडियो का अगर मैं बात करूं तो आपको क्या समझ में आया कि समझ में ये आया कि जग जाओ, ठीक है, अभी जागने का समय है, क्योंकि इस बार अगर वैकेंसी निकल गई, इस बार अगर आप चुक गए, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि अगला वैकेंसी कब आएगा और कब आप फाइनल सिलेक्शन लोगे, क्योंकि जो आपका फाइट होने वाला है ऐसे लोगों से, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनसे आपका फाइट होगा, तो आपको इस लेवल पे जाना है, क्योंकि आप प्री मेंस निकालने नहीं, आपको फाइनल जो है आपका एम क्या है, वो है आपका 2 स्टार ऑन योर शोल्डर। और अगर 2 स्टार आपके शोल्डर पे चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, यूनिट टू फाइट लाइक ए वॉरियर, ठीक है, वॉरियर के जैसे आपको हर दिन फाइट करना पड़ेगा। इस चैनल पे नए हो, ठीक है, द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर द बिहार दरोगा एज वेल एज डिफरेंट एग्जाम जो भी बिहार में कंडक्ट होता है, मेरे एक्सपीरियंस से हमने किस तरीके से किया था वो मैं यहाँ शेयर करता हूँ, और फिजिकल पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, हमने आपको बताया, तो फिजिकल को भी लेके चलिएगा, और जो आपको कोई सिलेक्शन दिला सकता है तो वो है आप खुद, बाकी टेलीग्राम, ठीक है, और आपका जो व्हाट्सएप का लिंक होता है, ठीक है, वो हम दे देंगे, व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाएगा, हर दिन आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, प्लस आपको डेली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम स्टेटस में डालते हैं, ठीक है। और एक चीज, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सबके स्टूडेंट से हमने बात किया, सबके स्टूडेंट हमसे इनरोल हो रहे हैं, हमारे कोर्सेस में इनरोल हो रहे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, आई एम द बेस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, बस मेरा ये कहना है, ठीक है, कहीं भी आप जुड़ो, ठीक है, बट आप जो सिलेक्शन आपका होगा वो आपका खुद का एफर्ट से होगा, ठीक है, आप कभी ये मत देखो कि वहां जाऊंगा तो मेरा हो ही जाएगा, ठीक है, बस ये चीज आप याद रखना कि आपका ये सपना है और जो एफर्ट देना है वो आपको खुद देना है।